गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन यू आर वेलकम इन चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है दिल की गहराइयों से आप सभी लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत के यूट्यूब चैनल पे प्रसून सिंह आदित्य ठाकुर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग आई होप यूर आर फाइन यस नो जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स आप फाइन हो या नहीं अच्छे हो या नहीं सनीसा उज ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल टू यू सनीसा। आज का टॉपिक विधान सभा है यस नो लेजिस्लेटिव असेंबली सो so, स्टूडेंट्स बिना कोई विलंब किए बिना कोई टाइम को किल किए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक वह है विधानसभा स्टूडेंट्स लगातार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स वह किन किन चीजों पे चर्चा अभी तक किए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप चेक कर सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अब तक मैंने करीब ऑलमोस्ट मोर देन हंड्रेड वीडियो मैंने वहां पे बनाकर रखा है स्टूडेंट्स आप सबों के लिए कि जो को भी कोई भी स्टूडेंट्स यदि ना सुने हो तो वो जाकर वहां से सुन सकते हैं नहीं सारा वीडियो लाइव बना है नहीं लाइव कॉम्युनिकेशन है वहां पर हम चाहेंगे कि ये वीडियो आपको आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा साथ देगा वो हर कंपटिशन के लिए जिस कम्पिटिशन में आप बैठना चाहते हो यस एनो जल्दी से बताएं तो स्टूडेंट्स हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर गुड मॉर्निंग प्रसून सिंह गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टूडेंट्स वह है स्टेट लेजिसलेचर स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे तो आज का ही टॉपिक क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वह है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा तो विधानसभा को आने से पहले स्टूडेंट्स स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस लेचर यस स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर थोड़ा सा नहीं हम लोग समझ लें ये क्या है स्टेट लेजिस्लेचर आलोक हर्षित भी आए गुड मॉर्निंग आलोक स्टेट लेजिस्लेचर की यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे यहां पे, जिस प्रकार से केंद्र में यानी यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में दो हाउसेस एक लोकसभा और राज्यसभा उसी प्रकार से राज्य में राज्य में दो हाउसेस वन इज विधान सभा एंड विधान परिषद जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तो ये बात हुई देखिए स्टूडेंट जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा का कुछ कार्य एंड फंक्शंस हैं ठीक उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का है वो कैसे है और किस तरीके से है इन सारी चीजों पे हम लोग थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आप चार बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम होती है स्टडी के लिए फोर ए एम आप चार बजे बैठो चार से छह आप लगातार दो घंटा बैठ के पढ़ सकते हो जी नहीं बेस्ट टाइमिंग है तो ध्यान से समझेंगे मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स बहुत एक अच्छा टॉपिक है पूरा का पूरा का अभी कंसंट्रेशन यहां पे रखो ठीक है बाकी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पे पूरा कंसंट्रेट करना मैं अभी क्या कर रहा हूं आप सबों से ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की आज टॉपिक ही है क्या विधानसभा के ऊपर तो विधानसभा क्या है किस प्रकार से विधानसभा का गठन किया गया है और क्या क्या, क्या कार्य है कम्पोजिशन क्या है इन सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है मैं आपको आपको थोड़ा सा फैक्ट पे आपको रिलेट ऑफ द पीपल जिसे हम लोग लोकसभा बोलते हैं और राज्यसभा राज्यसभा याद कीजिए स्टूडेंट्स मैंने काउंसिल ऑफ स्टेट्स उन दोनों को भी पढ़ाया है। आज उसी प्रकार से राज्य में दो हाउसेस के ऊपर जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सबसे पहला कौन सा नहीं हम लोग जान कि जो मैंने ये जो लिखा है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये आपको जानना चाहिए तो स्टूडेंट्स यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो अभी आपके पास पेन होगा और कॉपी होगा और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं आप उसे लेकर बैठ जाए फटाफट -फड़ जल्दी से आर्टिकल हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स के स्टेट लेजिस्लेचर किस आर्टिकल hmm. में दिया गया है यानी आर्टिकल 168 टू 212 लिखेंगे स्टूडेंट्स आर्टिकल 168 टू 212 यानी एक से लगाकर 212 तक स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया गया है स्टूडेंट्स पहले तो ये आप नोट कर लेंगे आर्टिकल आर्टिकल 168 टू 212 इस चीज को क्लियर करेंगे साथ साथ यदि आपसे कोई पूछ दे किस से भाग में तो पार्ट पार्ट स्टूडेंट्स याद रखेंगे पार्ट सिक्स ठीक है पार्ट सिक्स में यानी स्टेट लेजिस्लेचर की जो बात कही गई है भारत के संविधान में वो किस आर्टिकल से तो आर्टिकल 168 से लगाकर 212 तक पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बात किया गया है नंबर वन दूसरा यहां से किस पार्ट में इसका उल्लेख है तो पार्ट में कुल कितने पार्ट हैं भारत के संविधान में तो 22 पार्ट है स्टूडेंट्स याद रखिएगा यस yes, 22 पार्ट है और सिक्स पार्ट में स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर बात कहा गया स्टूडेंट्स क्लियर है चलिए स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर हम लोग जाने के किस आर्टिकल्स में है और कहां से लगाकर कहां तक है 168 से लगाकर 212 तक एक तो ये बात हो गई अब हम लोग यहां से बात करेंगे स्टूडेंट्स ये 168 से लगाकर 212 तक जो आर्टिकल्स ये जो दिया गया है इस आर्टिकल में किन किन चीजों पे डिस्कशन किया गया है इन सारे चीजों में आपके कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिसर्स प्रोसीजर्स नहीं और प्रीवेलेज पावर ये सारा चीज डिस्कस किया गया स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल 168 से लगाकर 212 तक ऑल द थिंग्स इज टू बी डिस्कस्ड हियर इन दिस आर्टिकल्स बट इट इज पॉसिबल टू नो ऑल द थिंग्स राइट अ मोमेंट नो बट वी हैव टू बी लर्न हियर वन बाय वन अंडरस्टैंड इन अ सीक्वेंस मैनर नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हम लोग जो अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किस टॉपिक पे ऑर्गेनाइजेशन 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 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर हम लोग बात करेंगे अब स्टूडेंट्स यहां से मैं आपको क्लियर करूं कि जो स्टेट की जब हम लोग पूरी की पूरी तरीके से जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि किसी भी भी तरह से कोई लेजिस्लेचर में नहीं है देर इज नो इनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेचर आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या हुआ कि इनिफॉर्मिलिटी नहीं है हाँ देखो स्ट्रेंड्स यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के पीछे मैंने यहां पे एक वर्ड में लिख रहा हूं चॉइस ठीक है अभी ये चॉइस क्या है आप समझ सकते हो नहीं सिंपल है क्लियर सा यहां पे आप समझना मैंने चॉइस वर्ड क्यों लिखा है कि राज्य में ये चॉइस है आपके ऊपर नहीं कि आप चाहो तो विधानसभा या फिर विधान परिषद का निर्माण कर सकते हो दोनों ही हाउस का यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड को आप अच्छे से समझेंगे यूनी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर यूनी का मतलब क्या हुआ वन सिंगल स्टूडेंट्स यहां से क्लियर करते हैं हम लोग यूनी कैमरल यूनी कैमरल देखो स्टूडेंट्स यूनी का मतलब ही होता है सिंगल यूनी का मतलब क्या सिंगल यानी सिंगल अब कैमरल का मतलब ही क्या हुआ यस मरल यानी सिंगल सभा ठीक है यदि हम लोग बात करें यूनी कैमरल का नहीं सपोज यदि किसी राज्य में अभी हम बताएंगे कितने राज्य में यूनी कैमरल लेजिस्लेचर और कितने राज्य में बाई कैमरल लेजिसलेचर है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बात करें यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस करेंगे स्टेट लेजिसलेचर के ऊपर बात कर रहे हैं तो यदि यूनिकैमरल लेजिसलेचर है यानी एक सभा है तो बोलेंगे यूनि कैमरल और जहां पे दोनों ही सभा है तो उसे बोलेंगे क्या हम लोग बाई कैमरल लेचर। वर्ड को क्या मैं लिख रहा हूं यहां से बाई कैमरल लेचर। फिर से देखो स्टूडेंट्स यहां बाई का मतलब क्या हो गया बाई का मतलब टू हो गया पढ़ते हैं ना यूनी बाई ट्राई टेट्रा नहीं पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा पढ़ते हैं ना तो बाई का मतलब क्या हो गया टू तो जहां से टू कैमरल हो यानी टू सभा हो नहीं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाई कैमरल एंड बाई कैमरल हम लोग स्टेट lecture, जानते हैं क्या कि छह ऐसे राज्य हैं नहीं जहां क्या है बाई कैमरल लेजिसलेचर है वर्ड को सुनेंगे ध्यान से बाई कैमरलेशने का, का मतलब मैंने भी आपको बताया कि राज्य में विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है यस yes. विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है तो वो कितने कुल राज्य में है तो टोटल जो स्टेट है स्टूडेंट्स वह है सिक्स जहां पे बाई है यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं नोट डाल के लिख सकते हैं क्या कि टोटल सिक्स स्टेट्स कितने सिक्स स्टेट्स हैज बाई

बाकी के जितने कितने बच गए टोटल फिर कितना बचा 22 टू यस ट्वेंटी जो बच गए वहां कैमरल लेजिसलेचर है सिक्स स्टेट्स का हम नाम जान लें कि वह नाम में कौन कौन से मतलब कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है चलिए स्टूडेंट्स नाम आप लिखेंगे सबसे पहला सबसे पहला आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश यस फर्स्ट नेम लिखेंगे आंध्र प्रदेश आपको नीचे दिख रहा है स्टूडेंट्स या रब करने की जरूरत है आंध्र प्रदेश दूसरा आंध्र प्रदेश दूसरा हो जाएगा बिहार बिहार भी आपका बाई कैमरा ले है स्टूडेंट्स बिहार तीसरा महाराष्ट्र महाराष्ट्र दिख रहा होगा तो बताएंगे हमें यस बिहार भी है महाराष्ट्र फिर इसके बाद आप ले लें तेलंगाना चौथा तेलंगाना तेलंगाना ठीक है फिर इसके बाद आप ले सकते हैं कौन सा कर्नाटका महाराष्ट्र तो हो ही गया कर्नाटका कर्नाटका एक और स्टेट बचा स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आंध्र प्रदेश एक तेलंगाना दो तेलंगाना मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स, तेलंगाना फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश भी मैंने नहीं लिखा है उत्तर प्रदेश लिख लेंगे वो तो हो जाएगा टोटल आपका, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश यस तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए स्टूडेंट्स, छह राज्य हो गए जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हाँ या ना हाँ उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं वेरी गुड सही है प्रसन्न सिंह तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कितना नोट में टोटल छह राज्य है जहां पे क्या है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो वो कौन कौन सा है यदि आपसे कोई पूछे तो आप जरूर बताएंगे सबसे पहला आंध्र प्रदेश दूसरा बिहार तीसरा महाराष्ट्र नहीं चौथा तेलंगाना पांचवा कर्नाटका और छठा कौन सा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश यस yes. और बाकी जो बच गए 22 राज्य 22 राज्य में 22 स्टेट्स में 22 स्टेट 22 स्टेट्स में यूनिकैमरल इसलिए चल है कैसा है यूनी कैमरल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यस यूनिकैमरल लेजिस यूनिकैमरल लेजिसलेचर इसको आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स यहां पे क्लियर होगा तो अब बताए हमें 22 राज्य में कैसा लेजिस्लेचर है तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और सिक्स स्टेट्स में कैसा है तो क्या मैंने बताया स्टूडेंट्स सिक्स स्टेट्स में कैसा है बाईस कैमरल वहीं पे 22 स्टेट्स में यूनि कैमरल लेजिस्लेशन है क्लियर है तो जल्दी से बताएं टाइप करके यस लिखें यदि क्लियर है तो यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 टू 212 में नंबर वन किस पार्ट में पार्ट सिक्स में फिर हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तो द स्टेट लेजिस्लेचर तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में मैंने चॉइस वर्ड बोला ये आप पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट में उस राज्य में नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अब आप यह कहोगे कि सर ये क्या हमारे के ऊपर है तो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ, ये आपके के ऊपर है कि वहां उस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो कैसे तो स्टूडेंट्स हम लोग इस पर बात करने जाएंगे डिटेल्स में जब हम करेंगे तो बताएंगे आपको किस तरह से हम इस बात को कह रहे हैं कि च्वाइस है हमारा

वो हर चीज आपको बाद में भी जब आप पढ़े तो उसे आपको क्लियर हो कोई आपसे पूछे तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप उसे इलेबरेट कर सको स्टूडेंट्स हम लोग जैसा कि जानते हैं जम्मू एंड काश्मीर लेजिसलेटिव काउंसिल नहीं ये जम्मू एंड काश्मीर के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिस्ड यानी जम्मू कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एबॉलिस्ड लेजिस एबॉलिस्ड एबॉलिस्ड अब देखिए जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसे क्या कर दिया गया एबॉलिस्ड कर दिया गया यस yes. नहीं एबॉलिस्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक एक्ट है स्टूडेंट्स किसके द्वारा तो बाय जम्मू एंड काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत स्टूडेंट्स याद रखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 थाउजेंड में ठीक है ना तो जम्मू काश्मीर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था स्टूडेंट्स उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया एबॉलिस्ट कर दिया गया नहीं किसके द्वारा तो बाय जम्मू काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 2019 के तहत यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वह एक्ट है स्टूडेंट जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का प्रावधान करते हैं व्हाट द वे ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इन दैट इज नोन एज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस चीज को याद रखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वह एक्ट है जिसमें हम किसी भी राज्य में लेजिसलेटिव काउंसिल का निर्माण करते हैं और जिस एक्ट से उसे हम निर्माण करते हैं उसी एक्ट से हम उसको समाप्त भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स याद ंग और ये पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में है तो पार्लियामेंट संसद के हाथ में है स्टूडेंट्स तो संसद क्या कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है जहां जरूरत लगेगी लेजिस्लेटिव असेंबली सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आप वहां पे बना सकते हो जहां लगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की हमें जरूरत नहीं है आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को वहां से समाप्त भी कर सकते हो ये पूरा का पूरा जो पावर है वो किसके हाथ में है एस yes, मैंने अभी आपको बताया ना पार्लियामेंट पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है इसको आप याद रखोगे संसद जो है ना छोटा मोटा कार्य नहीं करती है बड़े बड़े कार्य कर लेती है यस नो तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है संसद के पास ये पावर है कि जब चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकती है तैयार कर सकती है नहीं और जब चाहे तो लेजिलेटिव काउंसिल को समाप्त भी कर सकती है इसको याद रखेंगे लेकिन लेजिलेटिव असेंबली हमेशा हमेशा बना रहेगा दैट्स व्हाई पार्लियामेंट इज नोन एज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी यस यही कारण है प्रसून सिंह कि संसद को सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है चलिए और भी बहुत सारी चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे धीरे-धीरे तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश्ड हो गया कब 2019 में किसके द्वारा बाय द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इस फैक्ट को भी आप स्टूडेंट्स क्लियर रखेंगे नहीं तो उससे पहले ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यदि नहीं होता तो उससे पहले क्या था सात कुल राज्य थे जो कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर थे अब जम्मू एंड कश्मीर बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं रहा यस इस चीज को क्लियर रखेंगे इस फैक्ट को आप क्लियर करेंगे यदि क्लियर हो तो जल्दी से हमें बताएंगे फिर उसी प्रकार से ये केवल मामला नहीं रिओर्गेनाइजेशन uh, एक्ट का किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाना वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा देना ये कोई मामला मतलब जम्मू कश्मीर के साथ कोई नया मामला नहीं है स्टूडेंट्स इस पे और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के, के केसेस में भी देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स क्या कि आंध्र प्रदेश वाज रिवाइव्ड बाय द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 2005 एक्ट के अंतर्गत नहीं रिवाइवड किया गया लेजिलेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश में यस द सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 यानी सातवां अमेंडमेंट लाकर 1956 में प्रोवाइडेड फॉर अ लेजिलेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ भी केसेस आप देख लें मध्य प्रदेश के साथ भी केसेस वही रहा स्टूडेंट की सातवां संविधान संशोधन कर कर सातवां संविधान संशोधन कब सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 Seventh Amendment, Seventh Amendment Act, nineteen fifty-six. Seventh Amendment. Act, nineteen fifty-six. Provided for the Legislative Council. Provided, provided for the Legislative Council for the what? Legislative. काउंसिल, यस yes. नहीं किसका लेजिस्लेटिव काउंसिल किस राज्य का लेजिस्लेटिव काउंसिल यस yes. तो मध्य प्रदेश का किसका मध्य प्रदेश याद रखेंगे सातवां संविधान संशोधन एक्ट 1956 के अंतर्गत करके हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स इसको घेर देते हैं नहीं प्रोवाइडेड द लेजिसलेटिव काउंसिल मध्य प्रदेश यस सातवा संविधान संशोधन कर हम लोग क्या किए मध्य प्रदेश में लेजिसलेटिव काउंसिल की थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे क्लियर है तो जल्दी से बताए हमें क्लियर है हुँ. ओके और मैंने आपको पहले ही बता रखा कि द ट्वेंटी टू स्टेट बाइस राज्य है बाइस राज्य में क्या है लेजिस्लेचर है मतलब वहां लेजिस्लेटिव असेंबली है ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है यूनिक कैमरल सिस्टम देर द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द वर्क लेजिसलेटिव असेंबली यानी बाईस राज्य में इसे हम रब करते हैं स्टूडेंट्स ताकि हम लिख सके उसे यहां तक क्लियर होगा तो बताएंगे यस सर टाइप करके लिखे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यस yes, नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है आप जल्दी से लिखेंगे टाइप करके चीजें क्लियर है या नहीं बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूं वो भी आपको दिख रहा है या नहीं वो भी बताएंगे दिखना तो चाहिए चलिए हम लोग जो बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की जो 22 स्टेट जो मैंने आपको बताया 22 स्टेट्स 22 टू स्टेट इस 22 राज क्या है यूनी कैमरल है कैसा है यस yes. यूनी कैमरल यूनी कैमरल लेजिसलेचर है ठीक ये बात मैंने कहा यूनी कैमरल लेजिसलेचर यहां तक दिख रहा है स्टूडेंट्स कुछ छुपा तो नहीं चलिए इस यूनी कैमरल लेजिसलेचर में ठीक है यूनि कैमरल लेजिस्लेचर में क्या है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज वर्ट गवर्नर राज्यपाल और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली दूसरा लेजिसलेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली यस लेजिस्लेटिव असेंबली याद रखेंगे स्टूडेंट्स एक गवर्नर राज्यपाल और दूसरा क्या लेजिसलेटिव असेंबली ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इस चीज को क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है तो बताएंगे हमें तो 22 राज्य कैसा है तो यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर में क्या आ जाएंगे गवर्नर और दूसरा क्या लेजिस्लेटिव असेंबली आएंगे ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा स्टूडेंट्स इसको क्लियर करेंगे नंबर वन फिर इसके बाद हम आपको स्टूडेंट्स एक चीज और यहां से बताना चाहेंगे नहीं कि जो बाइक हम लोग बोलते हैं जैसे मैंने बोला लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं बताएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग विधान परिषद बोलते हैं क्या बोलते हैं विधान परिषद और उसे हम लोग अपर हाउस भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स आपको नाम जानना चाहिए नहीं लिख भी देते हैं ऐसे लेजिसलेटिव लेजिसलेटिव काउंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं विधान परिषद भी बोलते हैं क्या बोलते हैं विधान परिषद विधान परिषद ठीक है इसे हम लोग ले लेटिव काउंसिल बोलो विधान परिषद बोलो या फिर इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं डेट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस क्या बोलते हैं अपर हाउस अपर हाउस बोलते हैं ये सेकेंड चैंबर या फिर क्या इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड चैंबर इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे सेकेंड चैंबर भी इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं सेकेंड चैंबर और हाउस ऑफ द एल्डर्स यस yes, देखो कितना सारा नाम लिख दिया है मैंने हाउस ऑफ द एल्डर्स यस बुजुर्गों का नहीं क्या है हाउस है हाउस ऑफ एल्डर्स देखो इतने नाम से हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं विधान परिषद बोल सकते हैं अपर हाउस बोल सकते हैं या फिर सेकेंड चैंबर बोल सकते हैं या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स बोल सकते हैं ठीक ठीक उसी प्रकार से नहीं लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं विधान सभा ये yes सनो no? क्या बोलते हैं विधान सभा याद रखेंगे विधान सभा बोलेंगे इसे हम लोग लोअर हाउस बोलेंगे ठीक उल्टा करना है लोअर हाउस लोअर हाउस बोलेंगे या फिर इसे हम लोग फर्स्ट चैंबर बोलेंगे क्या बोलेंगे फर्स्ट फर्स्ट चैंबर देखो क्लियर हो रहा है या नहीं फर्स्ट चैंबर बोल सकते हैं ठीक है क्या बोल सकते हैं फर्स्ट चैम्बर और क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग एक और नाम भी जानो पॉपुलर हाउस इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं पॉपुलर हाउस ये नाम आपको पता होना चाहिए कहीं कहीं पॉपुलर हाउस लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे ठीक है ना इतना सारा मैंने नाम लिखा आपको ठीक है कोई आपको लोअर हाउस बोल दे तो आप समझो विधानसभा की बात कर रहा है या यदि कोई फर्स्ट चैंबर आपको बोल दे ना बोले विधानसभा ना बोले लेजिस्लेटिव असेंबली तो आप कंफ्यूज कर जाओगे फर्स्ट चैंबर ये क्या है फर्स्ट चैंबर सेकेंड चैंबर ये क्या है नहीं जिस प्रकार से केंद्र में हम लोग देखते थे बोलते थे क्या लोकसभा ठीक फिर हम लोग बोलते थे हाउस ऑफ द पीपल बोलते थे या नहीं बोलते थे राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते थे या नहीं बोलते थे ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को और क्या क्या नाम से जानते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए तो काउंसिल को हम लोग विधान परिषद बोलते हैं या फिर उसे हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और जब एक चीज आपको पता रहेगा दिमाग में ना तो आपको सेकेंड आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक वो चीज फिट हो जाएगी जैसे मैंने बोला लेजिस्लेटिव काउंसिल तो यहां पे बोल देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली क्लियर अब असेंबली का मतलब तो आपको पता ही है असेंबली को क्या बोलते हैं हम लोग सभा बोलते हैं यस yes, नहीं नहीं सभा वो असेंबली जहां पे हम लोग प्रेयर करते हैं वही ना असेंबली का मतलब क्या जहां पे ग्रुप में लोग आकर कोई कार्य कर रहे what, हो दैट इज व्हाट असेंबली असेंबल होकर नहीं असेंबल होकर किसी भी चीजों को कार्य को करना दैट इज व्हाट असेंबली चलिए तो लेजिस्लेटिव असेंबली अब यहां देखो क्या बोल रहे हैं विधान परिषद तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं विधान सभा विधान विधान तो दोनों में ही है काउंसिल यहां है और यहां पे असेंबली असेंबली में क्या हो जाएगा तो सभा हो जाएगा ना तो विधानसभा यहाँ पे देखो काउंसिल को क्या हम लोग बोलते हैं अपर हाउस यहाँ पे विधान सभा को क्या बोल रहे हैं लोअर हाउस याद रखना है ये सेकेंड चैंबर है नहीं याद रखेंगे ये सेकेंड चैंबर है जैसे राज्यसभा नहीं हम लोग बोलते हैं ना हाँ, रब नहीं कर रहे हैं रब नहीं कर रहे हैं जैसे राज्यसभा केंद्र में हम लोग बोलते हैं ना उसी प्रकार से राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं ठीक अब आइए यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं लोअर हाउस ठीक है यहां पर ये क्या है बोलो आ, अपर हाउस ये चीज हो गया यहाँ पे बोल रहे हैं सेकेंड चैंबर ये तुम्हारा कैसा चैंबर है फर्स्ट चैंबर फिर इसे बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स इसे बोलते हैं हम लोग पॉपुलर हाउस तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना क्या क्या नाम से हम लोग उसे जानते हैं ठीक है नहीं लोअर पार्ट को रब नहीं कर रहे जल्दी से इसे आप लिख लीजिए ठीक है ना ता? ताकि ये चीज आपको नाम कभी इस तरह से दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं करो ठीक है अरे फर्स्ट चैंबर बोल दिया फर्स्ट चैंबर बोला तो क्या दिक्कत है लेजिस्लेटिव असेंबली की तो बात कर रही है आया ना कोई बोल दिया पॉपुलर हाउस नहीं आई एम सिटिंग इन पॉपुलर हाउस वेयर इट यू आर सिटिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली नो है ना या नहीं, नहीं? बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए नहीं ये पूछ दिए जाते हैं कि पॉपुलर हाउस क्या है नहीं नाउ यू कैन रब थैंक यू हो गया क्लियर तो रब करेंगे तो फिर आगे भी कुछ हम लोग लिखेंगे इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं हमें टाइप करके क्लियर हो रहा है या नहीं ओके सनीसा भी बोल रहे हैं सर नाउ सर कैन रब ओके सब लोग लिख लिए इसके गड तो इसका कभी भूलोगे नहीं तरीका मैंने बता दिया एक आपको याद रहा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो गया दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है काउंसिल, लेजिलेटिव असेंबली विधान परिषद विधानसभा सेकेंड चैम्बर बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं क्या यहाँ पे सेक, ए, सेकेंड चैम्बर? यहाँ बोलेंगे फर्स्ट चैम्बर। ये है हाउस ऑफ द एल्डर्स ये क्या है हाउस ऑफ द हाउस ऑफ द एल्डर्स यहाँ है व्हाट पॉपुलर हाउस बस क्लियर है चलिए तो हम लोग बाईस राज्य में कैसा लेजिस्लेश कैमरल लेजिस्लेचर है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है और छह ही ऐसा राज्य है जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और स्टूडेंट्स याद रखिएगा छे के छह राज्य आप लोग याद एकदम बिल्कुल रखोगे पूछा जा सकता है कि कौन सा छह ऐसा राज्य है जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही है यानी फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस भी है यस yes नो क्लियर हो गया तो जल्दी से बताया हमें टाइप करके समझ में आ गया शिवम पले से लिख चुके यस सर क्लियर ओके okay. समझ में आ गया बोर्ड को भी समझ में आ गया यह भी क्लियर हो चुका चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कौन सी बात करेंगे नेक्स्ट जो है अब जो देखो हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो स्टूडेंट्स भारत के संविधान में नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान दिया गया है मैंने भी थोड़ा देर पहले बोला इंडियन में ऐसा प्रावधान है कि आप काउंसिल लेजिसलेटिव काउंसिल ठीक है जिसे हम लोग फर्स्ट चैंबर बोलते हैं ये लेजिसलेटिव काउंसिल को आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं दोनों ये भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान दिया गया है नहीं सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन और क्रिएशन देखो दो वर्ड बोले यानी भारतीय संविधान क्या कर सकता है एबोलिशन यानी इसको समाप्त कर सकता है या फिर इसे क्रिएशन या फिर इसे बना भी सकता है दोनों ही कर सकता है एबोलिशन भी कर सकता है

मान लो जहां कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आप चाहो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा सकते हो यस नो सर प्लीज आज सेम क्वेश्चंस मैंने अभी कहा ना सरिसा मैंने कहा कि आप नहीं चाहो तो क्या कर सकते हो किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप निर्माण कर सकते हो आप चाहो तो वहां से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा सकते हो और ये सारा का सारा जो पावर है जो शक्ति है वो किसके पास है पार्लियामेंट के पास है संसद के पास है भारत के संविधान में साफ तौर से संसद के पास ये पावर दिया गया है कि जिस राज्य में आप चाहें तो वहां निर्माण कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप विघटन भी, भी कर सकते हैं समाप्त भी कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली याद रखेंगे इस बिल्कुल फिर हम लोग यहां से और क्या जानते हैं हम लोग फिर यहां से जानते हैं स्टूडेंट्स कि रिजोल्यूशन मस्ट बी पास अब देखो इतना आसान भी नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना नहीं और उसका निर्माण करना आपको एक रिजोल्यूशन पास करना होता है नहीं पार्लियामेंट में संसद में और रिजोल्यूशन कैसे पास किया जाएगा तो आपको वहां पे सिंपल मेजोरिटी यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप चाहो तो वहां समाप्त कर सकते हो स्पेशल मेजोरिटी नॉट सिंपल मेजोरिटी सॉरी स्पेशल मेजोरिटी आपको लाना होगा क्या लाना होगा स्पेशल मेजोरिटी कैस क्या है नहीं चलिए अब स्पेशल क्या है मैं आपको स्टूडेंट्स यहां से क्लियर करूं स्पेशल मेजोरिटी की जब बात हम लोग कर रहे हैं नहीं इज़ अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली यानी जो असेंबली में जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उन सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स सीप ऑफ द असेंबली एंड द मेजोरिटी नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द व्हाट मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी कुल सदस्य हैं देखो ध्यान से समझना लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी कुल सदस्य हैं उनका लेजिस्लेटिव असेंबली का ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग लिख रहे हैं ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए हम शॉर्ट में लिखना चाह रहे थे इसे एल ए लिखना चाह रहे थे शायद आप समझ जाते हैं एल ए लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं और यदि हम लोग एलसी लिख देंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल समझना इतना बड़ा वाला लिखने की क्या जरूरत है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल जितने सदस्य हैं अब कितने सदस्य होंगे मैंने बताया मैं बताऊंगा मैक्सिमम 500 मेंबर्स होने चाहिए ठीक है ना उसका कितना होना चाहिए टू थर्ड मेजोरिटी टू थर्ड मेजोरिटी यस दो तिहाई मेजोरिटी होना ही चाहिए यस yes. जिसे हम क्या बोलते हैं स्पेशल बोलते हैं क्या बोलते हैं तो लेजिलेटिव काउंसिल का कहीं ना कहीं जो मतलब कि निर्माण जो है वो किसके थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू हो रहा है लेजिसलेटिव असेंबली यदि टू थर्ड मेजोरिटी यदि पास कर दे तब जाकर लेजिसलेटिव काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है जैसे प्रसून सिंह लिख भी रहे हैं टोटल मेंबरशिप ऑफ द द असेंबली एंड एंड शुड नॉट बी लेस देन मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग यस इसको आप थोड़ा सा क्लियर रखेंगे यहां प्रेजेंट एंड वोटिंग कर देंगे वहां पे नहीं प्रेजेंट एंड वोटिंग दिस एक्ट पार्लियामेंट इज नॉट बी डिम्ड एज ए अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल थ्री क्या अब यहां से प्रश्न एक आएगा कि क्या इसको स्पेशल मेजोरिटी लाने के लिए भारत के संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी क्या अब भारत के संविधान में संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 के अंदर होता है ये आप लोग जानते हो हाउ वी मेड अ व्हाट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन मेड अमेंट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई आर्टिकल थ्री तो क्या इसके लिए हमें भारत के संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल नहीं इसमें भारत के संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है इसको आप क्लियर रखेंगे स्टूडेंट्स यस दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368 एंड इज पास लाइक एन ऑर्डिनेरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन ये सिर्फ केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जैसा ही इसे पास कर दिया जाएगा दैट इज बाई सिंपल मेजोरिटी देखो मैं बोला था ना स्टूडेंट एक टर्म मैंने कहा था ना बोलो दैट इज वर्ड सिंपल मेजोरिटी यानी सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाने पर संसद के द्वारा कभी भी संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है जब कभी कोई सिंपल मेजोरिटी से कोई चीज हम पास कर रहे हैं संसद से तो कभी भी उस पर संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज को आर्टिकल 368 में संशोधन यानी 368 के अंतर्गत संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है क्लियर है कुछ फास्ट हो गया तो जल्दी बताएंगे हमें कुछ मैंने फास्ट बोल दिया नहीं ना समझ में आएगा तभी आप बोलोगे कि यसनो द आइडिया ऑफ सेकंड चैम्बर इन द स्टेट वे आर क्रिटिसाइज इन दूस असेंबली हाँ, बहुत सारे राज्य में आलोचना हुआ क्या जरूरत है लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहुत खर्चा होता है नहीं बहुत परेशानी होती है कोई जरूरत नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल का सिर्फ क्या होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा विधान की कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे क्रिटिसाइज हुए हर राज्य में अलग अलग हुए नहीं और ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए या नहीं चाहिए वहां जनसंख्या के आधार पे ये तय किया जाएगा कि उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1957. याद करो स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश बाई कैमरा लेजिस्लेचर है ना तो आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कब क्रिएट हुआ तो वर्ष याद लिखेगा 1957 में कब 1957. याद कीजिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत

1957 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लाया गया और अबोलिशड कर दिया गया कब 1987 में सर ये क्या मामला हो गया लाया भी गया लेस्लेडी काउंसिल नहीं कब लाया गया तो 19 बोलो 19 अभी बताया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लाया 1957 में सॉरी 1957 में लाया गया और 1987 में इसको अबोलिश कर दिया ऐसा क्यों क्या एक बार लाने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से वापस दोबारा हम एबॉलिश कर सकते हैं क्या हाँ जी आप कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो नहीं एबॉलिश किया गया कब किया गया 1980. Yes, 1985, 1987, sorry, 1985. Sorry, friends, 1985. सुधार कर लेंगे आंध्र प्रदेश यानी हम किसकी बात कर रहे हैं एपी आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया क्रिएशन किया गया कब 1957 में सॉरी उधर नहीं दिख रहा होगा नहीं आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया कब 1957 में और एबॉलिस्ट कर दिया गया कब 1985 में तो क्या ऐसा किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है यस द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन आंध्र प्रदेश वाज अगेन रिवाइव फिर से वापस इसको रिवाइव किया गया कब टू में कब टू 2007 फिर से वापस रिवाइड करके वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल 2007 में लाया गया देख रहे स्टूडेंट्स क्या खेल हो रहा है या सर क्या सर्किल चल रहा है एक बार लाया गया फिर हटाया गया फिर वापस लाया गया तो ऐसा किया जा सकता है ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए यस तो आंध्र प्रदेश वाज अगेन रिवाइड इन 2007 आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट वो लेजिस्लेटिंग काउंसिल एक्ट क्या हुआ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 2005 के अंतर्गत इस लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट देखो स्टूडेंट्स शॉर्ट में मैंने लिखा है एलसीए एलसीए लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 के अंतर्गत वापस फिर से आंध्र प्रदेश को क्या किया गया लेसिलेटिव काउंसिल लाया गया यस टू थाउजेंड हाँ सेवन यहाँ पे मैंने बताया बिल्कुल 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 सही है ठीक है है ठीक तो 1957 में देखो यहां से क्या खेल हो रहा गया एबॉलिश किया गया, गया 2007, 2007 रिओर्गनाइज किया गया किसके काउंसिल एक्ट के तहत लेजिसलेटिव काउंसिल एक्ट 2005 के अंतरगत ये सनो जल्दी से बताएंगे फिर उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का ये मामला है ठीक उसी प्रकार से तमिलनाडु का भी साथ यही मामला एबोलीश्ड इन 1986 एंड दैट द पंजाब वेंट बंगाल इन 1969 उसी तरह से पंजाब और वेस्ट बंगाल को लेकर है 1969 में तो आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु को वेस्ट बंगाल को नहीं साथ में पंजाब को इन सभी राज्य में

किसी भी राज्य में नहीं काउंसिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए लेकिन अनिवार्य रूप से रहेगा क्लियर क्लियर है ही नहीं है इसलिए यूनिक कैमरल लेजिसलेचर है केवल छह ही ऐसा राज्य है जहां पे दोनों ही है लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है इस चीज को क्लियर रखना फैक्ट को क्लियर रखना क्लियर है तो जल्दी से बताओ हमें रब करें इसे अभी पांच मिनट और हम लोग ले सकते हैं क्लास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पांच से दस मिनट है हम लोग के पास टाइम नहीं हम लोग इसमें कंपोजिशन ऑफ टू हाउस थोड़ा पढ़ सकते हैं हटाना ही था तो आपस वापस क्यों लाया हाँ देखिए स्टूडेंट्स हम बताते हैं परसून सिंह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जब इसको हटाना ही है तो फिर वापस क्यों इसे लाया गया देखो प्रसून ऐसा है कारण इसके पीछे है कि काउंसिल का निर्माण करने में बहुत सारे चीजों के पैसे के एक्सपेंसेस होते नहीं बहुत सारे उसके ऊपर संगठन बहुत क्योंकि वो जनता के के द्वारा तो मतलब के तो डायरेक्ट मतलब चुना नहीं जा रहा है आप सोचो जिस प्रकार से हम बोलते हैं राज्यसभा केंद्र में उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल है राज्य में नो, तो उसको निर्माण करने के लिए बहुत सारे पैसे की खर्च बहुत सारे मतलब की expenses, का नहीं आखिर क्यों एक्सपेंसि जब जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग कर ले नहीं जरूरत पड़ेगी समाप्त कर देंगे इस तरह का मामला है ठीक है ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो अनिवार्य रूप से कोई जरूरी नहीं है राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप करना चाहते हो संसद में आप डिमांड करो संसद क्या करेगी सं, वहां पे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू नहीं और साथ साथ मैंने आपको बताया ना स्पेशल मेजोरिटी भी होना चाहिए टू थर्ड मेजोरिटी लाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में आप क्या कर सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर सकते हो क्या इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा बिल्कुल नहीं किसी भी तरह का कोई संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है यस पे क्लियर हुआ तो जल्दी से हमें बताएं इसे रब करेंगे फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस पढ़ लेंगे अभी है समय नहीं वन आवर्स के क्लासेस में चाहता हूँ स्टूडेंट लू मैं, मैं एग्जैक्ट चलिए इसको रब करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जाएंगे वो जो स्ट्रेंथ है नहीं जो स्ट्रेंथ आपसे कभी कोई पूछ दे नहीं कि क्या स्ट्रेंथ है, है कैसे है वो चीजों को हम लोग क्लियर करना चाहेंगे देखिएगा हम लोग नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टू हाउस आप हेडिंग यदि डालोगे सब टॉपिक क्या कंपोजिशन ऑफ टू हाउस कंपोजिशन ऑफ टू हाउस यानी टू हाउस हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे नहीं अभी सिंगल ही देख लें लेजिलेटिव असेंबली देख ले, ठीक है तो क्या देखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू हाउस में हम लोग जो बात करेंगे वो स्ट्रेंथ के ऊपर किसके ऊपर डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ एस टी आर ई एन जी टी एच यानी टोटल कुल कितना स्ट्रेंथ है यस yes. इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल मैंने बताया ना जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड किसके द्वारा होते हैं लोगों के द्वारा पीपल के द्वारा ठीक उसी प्रकार से राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा लोगों के द्वारा यस yes.

मैक्सिमम स्ट्रेंथ है यस मैक्सिमम पांच सौ तो होना ही चाहिए मैक्सिमम है मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेंथ कितने हैं, सर मैक्सिमम बोल दिए तो मिनिमम भी बता दो मिनिमम कितना 60 मिनिमम 60 मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए तो so, सर 500 होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए तो so, 60 मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए आया ना हाँ बिल्कुल फिर 500 मेंबर मैक्सिमम है और मिनिमम कितना 60 मेंबर्स होना चाहिए इट इट मींस मींस व्हाट द स्ट्रेंथ वैर इज फ्रॉम 60 टू 500 यानी जो स्ट्रेंथ है जो स्ट्रेंथ है लेजिसलेटिव किसका किसकी बात कर रहा हूं बोलो लेजिसलेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो 60 टू फाइव हंड्रेड नहीं क्या मेंबर्स ये करते ये क्या करते हैं करते यस 60, 60 से लगाकर पांच सौ तक मेंबर्स जो है वो क्या करेंगे वैरीज करेंगे इसी के बीच में रहेंगे ठीक है ना मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो पांच सौ रख सकते हो मिनिमम कितना होना चाहिए मेंबर्स, तो सिक्सटी मेंबर्स तो होना ही चाहिए यस नो और ये डिपेंड करेगा किस पे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ये डिपेंड करता है ये वैरिस क्यों कर रहा है नहीं ये डिपेंड किस पे है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ यानी किसी भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर द पॉपुलेशन ऑफ वर्ट स्टेट जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ज्यादा होगा जहां जिस राज्य की जनसंख्या कम है उस राज्य की जनसंख्या यदि कम होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो भी क्या होगा कम होगा यस इट टोटली डिपेंड ऑन द वर्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश देखो सिक्किम देखो नहीं गोवा मिनिमम नंबर है? है, बोला, बोला, है कितने मिनिमम नंबर थर्टी 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 याद रखेंगे एट थर्टी इन केस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड इट इज फोर्टी केस नागालैंड इन मिजोरम का कितना फोर्टी यदि आप लिख रहे हो तो लिख लेना स्टूडेंट्स कौन कौन राज्य में मैंने बोला लिख लो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम लिख लो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एंड गोवा तीन राज्य वहां पे कितने कितने मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के थर्टी एंड एंड लिख लो इन केस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड मिजोरम एंड नागालैंड में कुल कितने सदस्य इट इज फोर्टी एंड 46 40 एंड व्हाट 46 ये मिनिमम है सबसे नीचे कारण क्या है उसके पीछे ना अब बोलोगे सर आप 60 से भी कम बोल रहे हैं हाँ कम बोल रहे हैं कारण उसके पीछे है जनसंख्या वहां का क्या है कम है यस yes, 40 कितना 40 एंड 46 सिक्स रिस्पेक्टिवली ठीक ना फॉर द सम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन सिक्किम एंड नागालैंड आर ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली कहीं हाँ हम लोग बोले ना लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य के जो मेंबर्स होते में डायरेक्टली चूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य मिले जैसे कौन से राज्य मैंने भी बताया सिक्किम एंड नागालैंड तो सिक्किम एंड नागालैंड में वहां के जो मेंबर्स है जो सदस्य है जो चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली भी चुने जाते हैं ऐसा नो वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते तो ये सब फैक्ट है इस सब चीज को याद रखना कौन सा राज्य कौन सा राज्य सिक्किम एंड नागालैंड सिक्किम एंड नागालैंड में इनडायरेक्टली पीपुल्स क्या करते हैं इनडायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं कहा तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकिन ज्यादातर राज्य में क्या है ज्यादातर राज्य में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और नो? जिस प्रकार से लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय होम बाय द पीपल ठीक उसी प्रकार से राज्य में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल लेकिन कुछ ऐसे भी दो राज्य मैंने भी बोला जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है इनडायरेक्टली है वो कौन सा राज्य है तो वो सिक्किम और नागालैंड है कौन सा राज्य हुआ सिक्किम और नागालैंड वेरी गुड लिख लो ये क्लियर है तो जल्दी से, जल्दी से से इसे टाइप करें क्लियर हुआ या नहीं हुआ नहीं तो मैं रिपीट करूंगा कोई दिक्कत नहीं है मैं रिपीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्लियर होगा तभी बताओगे मैं फिर से बोल रहा हूं नागालैंड एंड सिक्किम आर ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली ठीक है किस किस राज्य में किस किस राज्य में कितने मेंबर्स मैंने बोला थीस मेंबर्स थीस मेंबर्स कहां कहां? बताओ तो जल्दी से, जल्दी, से टाइप जल्दी से बोले वहां पे फिक्स होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे आप बोलते होगा सर मिनिमम है हाँ सिक्सटी से भी मैंने कम कर दिया तीस में कारण क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है इसके आधार पर मैंने बोला ये सारा चीज किसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मैंने थर्टी सा? तीन राज्य बताओ सिंह। केवल अरुणाचल प्रदेश थोड़ी है जल्दी से बोलो। अरुणाचल प्रदेश भी है। ठीक है केस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड में मिजोरम एंड नागालैंड में कितना फोर्टी यस मिजोरम और नागालैंड में कितने कुल से दस फोर्टी मेंसका लेटिव असेंबली का हा? क्लियर हुआ तो जल्दी बताओ क्लियर है गड गड गुड वेरी गुड वेरी गुड सभी लोग मिजोरम सैंडवर्ट अरुणाचल वेरी गुड राइट तो क्लियर हुआ यहां तक क्लियर हुआ स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग बात किएसलेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग डिस्कस किए ठीक है ताज का वीडियो इतना काफी है स्ट्रेंड हया हाँ ना बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस किए नेक्स्ट हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स जो में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं जो कि गवर्नर्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो कितने हैं कैसे हैं किस तरीके से होंगे वो सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में legislative assembly part two में इन लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे क्लियर है स्टूडेंट्स कैसा लगा क्लास समझ में आया या नहीं जल्दी से हमें बताएंगे फीडबैक अपना जरूर देंगे आपको समझ में इन सारी चीजें आई या फिर नहीं आई

से कि सर प्लीज़ सम फैक्ट। चलो मैं कुछ फैक्ट पूछ रहा हूँ रिओर्गेनाइज़ेशन एक्ट जल्दी से बताओ यस, uh, yes, बताओ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने बताया ना जल्दी से रिओर्गेनाइजेशन एक्ट किस अच्छा ये ये क्वेश्चन बता दो uh, किस रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर का, का जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल ले है उसको समाप्त किया गया जल्दी से बताएं जम्मू एंड काश्मीर लेजिसलेटिव काउंसिल वॉज एबॉलिस्ड बाई दम्मू काश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ईयर बताओ जल्दी से ईयर आयोस बोलो अब तो कुछ जवाब ही नहीं तुम दे रहे हो जल्दी बताओ किस रिओर्डेशन एक्ट के तहत जम्मू काश्मीर में जो लेजिटिव काउंसिल है उसको एबॉलिस्ट किया गया यस yes, जल्दी से हा वेरी गुड सनीसा जवाब दे दी टू थाउजेंड नाइनटीन क्या बात है गुड टू थाउजेंड नाइनटीन रिओर्डन एक्ट दो हजार उन्नीस के तहत नहीं जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ले है उसको एबॉलिस्ट किया गया यस इंडियन रिओर्गेनाइजेशन एक्ट वाज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हीलर व्हीलर वेरी गुड हॉवर्ड एक्ट जून 1934 मेजर्स इनेक्टेड बाय द यूएस कांग्रेस एम टू डिक्रीजिंग द फेडरल कंट्रोल ऑफ अमेरिकन इंडियन अफेयर्स एंड इंक्रीजिंग इंडियन सही है सही है हाँ टू वेरी गुड वेरी गुड आयुष बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स दो चार पांच बच्चा ही सही क्या दिक्कत है नहीं क्या जरूरत है हजारों बच्चों को पढ़ाने की जब हमारे पांच बच्चे में से एक भी कोई बच्चा या पांच का पांच ही बच्चा नहीं अच्छा कर जाता है देश का एक अच्छा नागरिक बन जाता है तो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं मेहनत जो है मेरा वो सफल हो गया स्टूडेंट्स या हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए हजारों की भीड़ नहीं हमें चाहिए सिर्फ पांच या दस की भीड़ और उस दस में से कोई एक भी बच्चा अपने जीवन में नहीं ऊंचाइयों तक पहुंच गया तो कहीं ना कहीं वो हमें याद जरूर रखेगा इतना हमें विश्वास है नहीं वो हमें भूलेगा नहीं कि सर के द्वारा जो भी चीज ज्ञान दिया गया यूट्यूब चैनल पे नहीं इस लॉकडाउन के तहत नहीं घर पे रहकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ घर से आप चीजों को सीख रहे हो नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मन में आपके दिलों में जगह हमारे लिए एक प्रतिशत तो जरूर रहेगी यह चलो ना रहे हंड्रेड परसेंट मुझे उम्मीद है मुझे विश्वास है कि आप हमें एक परसेंट अपने दिलों के अंदर जरूर रखे होंगे ताकि मैं हर दिन आपको कुछ नया सिखा रहा हूं सिर्फ सिलेबस को लेकर नहीं वो हर चीज को लेकर जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आएगा बेकार नहीं जाएगा क्योंकि नॉलेज तो आज तक कभी जरा सोचो स्टूडेंट्स नॉलेज कभी बेकार गया क्या कभी भी कोई कह दे ज्ञान बेकार चला गया और ज्ञान सीखने की कोई उम्र है क्या कि नहीं ये सिक्स क्लास का बच्चा है ये 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 का 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 नॉलेज दो क्लास क्लास बच्चा बच्चा है ये का बच्चा है ना जी मेरा मानना है ज्ञान तो वो सम, वो बूंद है वो बारिश की बूंद है जो हर उस बूंद में नहाना चाहता है आया ना वो हर बारिश के आनंद लेना चाहता है उस बूंद को तो सब लोग पसंद करना चाहते हैं यस अनु चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स ये आपका हौसला ये आपका जज्बा एक ना एक दिन आपको जीवन में आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है वो सिर्फ रोक सकता है तो आप खुद अपने आप को रोक सकते हो कहा गया स्टूडेंट्स नो वन पीपुल कैन स्टॉप यू अंटिल अनलेस वेन यू नॉट डिसाइड टू स्टॉप हिमसेल्फ याद रखना है इस चीज को कोई भी व्यक्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से तब तक जब तक आप अपने आप को खुद ना रोक लो जिस दिन तुम अपने खुद को रोक लोगे ना उस दिन आप रुक जाओगे आप रुको ही नहीं लगातार चलते रहो लगातार आगे बढ़ते रहो चाहे दुनिया में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए क्या इससे भी बड़ा मुसीबत हो सकता था क्या क्या हम सब लोग कभी इमेजिन किए थे कि ये वायरस जो है कोरोना वायरस हम सबों को ये पैंडेमिक जो डिजीज है हम सभी को ये चार दीवार के अंदर बंद रखेगा क्या हम लोग कल्पना भी किए थे क्या कभी ऐसा नहीं जंगल में रहने वाला पशु पक्षी वो रोड पर चला आएगा क्या ऐसा कभी कल्पना कभ भी किए थे क्या क्या आप लोग इस तरह का सोचे थे जब माहौल अच्छा होता तो हम लोग स्कूल में नहीं चले आते आते या नहीं हम लोग अच्छे से नई एडुकेशन ले रहे होते लेकिन क्या देख रहे हैं आज सब लोग घर के अंदर बंद है चार दीवारी के बंद होकर वो शिक्षा को दे रहे हैं नहीं और हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये लर्निंग जो है ना उम्र की मोहताज नहीं है आप किसी भी उम्र में रहो आप ज्ञान सीखते रहो और सिखाते रहो दो ही काम करना है एक सीखना है और सिखाना है सिखाना इसलिए ताकि आपको वो ज्ञान हमेशा आपके पास रहे आप जिस दिन सिखाना बंद कर दोगे ना उस दिन आपकी सीखी हुई ज्ञान उसी दिन से धीरे 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 समाप्त होते चली जाएगी और ये आप पे डिपेंड करता है उस ज्ञान को आप दूसरों के साथ कितना शेयर करते हो क्लियर है सो थैंक थैंक यू यू फॉर स्टैंकिंग दिस चैनल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस एडुकेशन बिस्ट चैनल स्टूडेंट्स थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दिल की गहराइयों से आप सबों का नहीं नहीं कोटि कोटि धन्यवाद मेरे द्वारा स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच थैंक यू हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू